4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोगों से मिला, और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले। यात्रा में कोई गिरता था, धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है, कोई गिरता था एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो दर्द था, डर था, उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर, क्योंकि होता क्या था, बड़ी सी भीड़ थी, भीड़ के बीच में मैं चल रहा था और मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी तो उसमें लोग आ जाते थे, जैसे आजकल हम यहां जीप में कर रहे हैं, तो आते थे और कहते थे, छोटे व्यापारी कहते थे, हमें डर लगता है, कल का नहीं पता क्या हो जाए, ऐसा माहौल बन गया है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है, और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है, बलिया से प्रभात सिंह जी, अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है कमजोर होता है, बोलिए बोलिए, कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा कमजोर होगा, कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है, देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। पेपर था सर, पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउड है सर, सारे बच्चे बैठ के पेपर रख रहे हैं और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं, आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर। तो नुकसान तो आपका हो रहा है।